हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो गाइस, आज का जो गाना है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं अफसाने गाने पर रिएक्ट, जो कि है तला अंजुम और तला यूनिस का। ठीक है, तो इस गाने के लिए बहुत लोगों ने मुझसे बोला था, बट डिले हो गया गाइस, सॉरी। थोड़े थोड़े गाने ना बहुत ही डिले हो जाने, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी की बात हम लोग बाद में करेंगे। बीच में मैं गाने को पॉज नहीं करूंगी, बहुत ही ज्यादा अगर मुझे अच्छा लग जाएगा तो मैं पॉज करके बता दूंगी, ठीक है, वरना फिर आप लोग बोलते ही पॉज करते, इसलिए। या तो फिर एंड में पॉज करेंगे, एंड में हम लोग गाने को डिस्कस करेंगे, लाइन्स को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कमेंट अपनी फेवरेट लाइन बतानी है, क्योंकि आप लोग ऐसे बताते नहीं हो, एंडिंग तक शायद आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, तो एंड तक देखो, हम डिस्कस करते हैं। जो मुझको समझ में नहीं आता वो आप लोग मुझे बता सकते हैं, और जो मुझको आएगा मैं आपको बता सकती हूँ। आपको तो सब आता ही है, मतलब मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ, ठीक है। फिर आप लोगों को कमेंट बतानी है अपना कोई ऐसा गाना जो आप लोग को रिएक्शन देखना है, किसी का भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैं बहुत बोलती हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 3, 2, 1 एंड गो। क्या होने वाला है? अरे इसमें वीडियो भी है, तो वीडियो को भी देखते हैं। वीडियो के साथ में लिरिक्स निकल पाती हूँ। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। If I were you and you were me, you were me, I would forgive you, जैसे तू हो एक सुरंग में, उसके एंड में तुझको रोशनी दिखी। Light it up, that's how I see you, खुद को मेरी नजर से देख। If I were you and you were me, if you were me, मैं ऐसे टूटता कि टूटते हैं तारे क्या, वो आज भी है मुंतजर, मुख्तसर एक मुलाकात का, फिर कभी मिल पाए ना। दिल डूबे मंजिल लगे दूर बहुत, वरूद से जवाल देखे हैं नूर बहुत, अच्छा ना तेरे हाथ में जिंदगी मतलब। और ना ही मौत, मेरे हाथ में है कलम, कला और शौक, हर खौफ से आजाद कर दो मेरी जात को, किस्मतों से पाक कर दो मेरे हाथ को, जिस हिसाब से रखा है दिल पे बोझ मेरे, जैसे कारमा पीछे पड़ा है हाथ धो, गाने गाए बहुत, दिल दुखाए बहुत, ना तुम्हें आए शर्म ना हमें आए मौत, मैं सेनू इस मिनट नेक्स्ट मिनट आई एम साइको, इंडस्ट्री करे फॉलो ब्रांड्स गो वेयर आई गो, ये मेरा फ्लेक्स नहीं है लाइफ है, सेंड माय चेक मुझे बातचीत नहीं चाहिए, अगर बिल्स मर्द के अलग होते कायदे, अगर कमाते नहीं तो मर्द हो तुम काय के, फ्यूचर दिखता नहीं है, फ्यूचर इज व्हाट आई से, वो साथ खाए कहना पड़ता नहीं वो भाई थे, आई डू अ डाई फॉर द गैंग, बिना लिखत पढ़त के किए हुए हैं ये मुआहदे, साल गिरा तब भी खड़ा था मैं माइक पे, गवाह यार रवादार मेरे साथ, रहे सदा आबाद ये आवाज, आई रैप फॉर अ पर्पस, ये करियर ए कॉज, You expect me to be perfect and I'm just full of flaws. कैसे लिखता हूँ ये verses, क्या करता हूँ महसूस, मैं बिना ताज का बादशाह का nothing to lose, I'm crossing lines just to cancel out the booze, अब ना दिल से निकले आरज़ू, जब से दिल से निकली आज तू, दिल था मेरा गोशा है सुकून एक, क्यों बना गई है ऐसे बाजार तू। Oh my God, लड़की को फेंक दिया गया। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह दिखता नहीं हूँ, बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, दिल में सवाल बड़े पीछे हुए जाल बड़े, मेरी मिसाल चले चाहते सारे चाल चले, थप्पड़ ये गाल पे इंडस्ट्री पूरी पाल तेरे, नया किताब जो तुम खोल के सिर्फ छाप तेरे, तलवे मेरे चाट तेरे, पैसा नहीं वो दाद दे रहे, देखे नहीं हालात मेरे यारों ने जो ख्वाब दे गए, पूरे करूँ आज अब साथ में वो आग बैठे, पैसे में वो बात नहीं जो इज्जत मेरी आज बैठे, ये इम्तिहान कैसा सूरज नहीं पर चांद देगा, लिखारी जान लेवा उर्दू रैप को सांस देता, किससे लड़ू जंग सब वाकिफ है ये मैदान मेरा रैप
मेरी जान मैं कराची के लिए जान दे रहा ये लड़के लिखते मुझे दिखते अपने बार्स भाई डरता नहीं गिरने से बस दुनिया से नाराज भाई आईने को तोड़ दे यूं जोड़ते अल्फाज भाई लफ्ज कैसे तोलते जब भारी ये आवाज भाई दिल मेरा साफ मैं इंडस्ट्री का वो राज भाई डरते मुझसे आज भी शाहीन आता बाज नहीं भाई फुल 50 तलहा जाने खोला हाथ नहीं कागज को मैं आग दूं पिछवाड़े इनके राख भाई सर अपना नोच रहे हम सोते हुए भी सोच रहे ख्वाबों में भी अपनों के खुशी के आंसू पोंछ रहे आई एम अ रोल मॉडल आज भी ऑन द रोड ए अंडरग्राउंड को लाया मेन स्ट्रीम वाले शोज में डील होती क्लोज उठते साथ मुझे होश नहीं इंडस्ट्री मेरे लन पेपर नहीं वो मेरी दोस्त नहीं रोजी रोटी लिखी ऊपर वाले ने अफसोस नहीं डरते नहीं हम मौत से मुसाफिर मरते रोज भाई आई एस्क गॉड व्हाई यू मेड फियर सब रोना चाहते बट वी हेट टीयर्स आई एम नेवर सोबर बट आई स्टे क्लियर समझ से बार में जैसे शेक्सपियर अरसे से खाई नहीं रोटी माँ के हाथ की तारों को मैं नाम दूं तू देख मेरी सादगी दुश्मन को भी काम दूं कैसे होगी बराबरी लोग मेरी मेहनत का फल खाना चाहते आज भी ये बातें नहीं कागजी मैं खुद को देता दाद भाई सच से दुनिया भागती और मैं सिर्फ सच के साथ भाई हाईएस्ट इन द रूम मुझ तक पहुँचेंगे क्या खाक भाई हर गाने की मैं धुन सिर्फ बीटों से करता बात अफसाने अब लिखता नहीं हूँ मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ मत पूछो मैं कितना सही हूँ क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ बसर करते हैं तेरे दिल में असर है तो शिकवा करें क्यों जिक्र होता है हर महफिल में वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ अफसाने अब लिखता नहीं हूँ मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ मत पूछो मैं कितना सही हूँ क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ बसर करते हैं तेरे दिल में असर है तो शिकवा करें क्यों जिक्र होता है हर महफिल में वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ वाओ एंड हो गया ना ये गाना वाओ बहुत ही बढ़िया यार ओ भाई गाइस ये गाना तो बहुत ही बढ़िया था साथ में स्टोरी भी है जिससे जो मुझे पता है एंड तक समझ में नहीं आई मतलब पहले समझ में आया कि वो बंदा नशा करता था नशा ले रहा है लोगों से उसके बाद वो बंदी को मार देता है ठीक है बंदी की डेथ हो गई उससे फिर बाद में एक जो यूनिस है वो भी बीच में आ रहे हैं वो गाना लिख रहे हैं सब कुछ चल रहा है बट वो थे कौन वो एंड में फिर उसके बाद फेस टू फेस हुए वो क्या हुआ मेरे को वो गाने का समझ में नहीं आया वो क्या चीज़ थे मतलब वो उनकी स्टोरी उनको लिख रहे थे उनका मतलब कि हाँ तुझे मरना टाइप का जो था कर्मा कुछ सीन था या वो क्या था मतलब कुछ एंजल वेंजल या उनके खुद की परछाई मुझे ये समझ में नहीं आया क्या चीज़ था। हाय गाइस मैं वीडियो के बीच में आई हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना जैसे मैंने आगे बोला कि मुझको नहीं समझ में आया इसमें क्या चल रहा था ठीक है तो मैं सुबह से कर रही हूँ एडिटिंग और मुझे ऐसा चूल होगी ना मैंने उस टाइम पे ना ये वीडियो देखी नहीं थी जब मैं कर रही थी क्योंकि मेरा ऐसा होता है मैं लिरिक्स सुन सकती हूँ या मैं वीडियो देख सकती हूँ तो मैं खो जाती हूँ तो अभी मैंने ना ध्यान से जब ये वीडियो देखी 3-4 बार मैंने कहा आखिर क्या स्टोरी तो मैं समझ गई पता है क्या हुआ है जैसे हमारे उसमें होते हैं ना यमराज होते हैं हम कहते हैं कि यमराज सब देख रहे हैं हमारी आत्मा को ले जाने आते हैं तो वैसा ही सीन है ये है एक एंजल जो कि सोल ले जाते हैं मतलब आत्मा जब डेथ हो जाती है तो उसके वहां पहुंच के उसकी आत्मा को ले जाते हैं वैसा वाला सीन है इसमें शायद मैं सही हूँ मतलब मुझको ऐसा कनेक्ट किया है मुझको पहले था कि चलो लोग बता देंगे फिर मैंने कहा यार मुझे आ गया है तो लोग बताएंगे सेम बता दिया तो गड़बड़ हो जाएंगे तो गाइस अगर मैं गलत हूं ना अब आप लोगों को बताना है अगर मैं गलत हूं तो अगर मैं सही हूं तो ना मजा आ गया आप समझ जाओ कि मैं बिल्कुल सही हूं मतलब मैं समझ सकती हूँ चीजों को यार मतलब कितना डीप सोचा अगर ये ही अगर स्टोरी है जैसे वो डायरी में जो लिख रहे हैं ना वो अच्छा बुरा सब लिख रहे हैं उनके बारे में कि जहाँ पे जैसे उसने लड़की को मारा तो वहीं पे पहुंचे जब जब जो मरा वहां पर थे मतलब डेथ हुई जब जब जिनकी वो वहां पे थे उसके बाद उनका एक्सीडेंट भी हुआ है तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था कि मैं वीडियो देख ही नहीं रही थी उनका एक्सीडेंट हुआ है उसके तब जब एक्सीडेंट हुआ है उस टाइम पर भी वो उनके साथ थे समझ रहे हो आप एंड वो पहले तक दिखते नहीं है किसी को उन्होंने साफ साफ बोला है कि मैं किसी को दिखता नहीं हूँ ये वो करके तो वो ना किसी को नहीं दिख रहे थे तला अंजुम के आसपास से गाड़े के पीछे कमरे के अंदर हर जगह थी पर दिख नहीं रहे थे एंड में दिख जाते हैं कैसे क्योंकि उनकी डेथ हो गई है तो उनकी सोल को ले जाने आए इसलिए वो आमने सामने कहते हैं ना जब हमको हमारे जब जान जा रही होती है तो हमको यमराज दिखते हैं बोला जाता है ना जो जो इंडियंस है वो कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज को उनको मतलब जो जो सुनते हैं ये चीज़ उन्हें पता होगा ऐसा बोला जाता है हम मैं भी सुनते हुए आई हूँ कि जब हमारी डेथ हो रही होती है जब हमसे करीब होते हैं मौत के करीब तो हमको यमराज दिखाई देते हैं ऐसा बोला जाता है तो वैसे ही ऐसा था कि उनकी एक्सीडेंट हुआ डेथ हुई एंजल आए उनको लेने के लिए दिमाग है मेरे ऊपर बेटे अब मैं समझ गई हूँ आप लोगों को कमेंट बताना मैं सही हूँ नहीं हूँ ठीक है चलो
आएगा पार्ट देखो अपनी लाइंस पता होगी कौन सी मुझे अच्छी लगी। ये भी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से अलग ही लेवल में चले जाते हैं यार, मतलब मैंने सोचा नहीं था इतना तगड़ा होने वाला है। और लाइंस तो OMG, हर एक लाइन इतनी तगड़ी है ना। एक मुझे वो बड़ी तगड़ी लगी जो उन्होंने बोला था, मर्द के अलग होते कायदे, अगर मर्द कमाए नहीं तो फिर काय का वो मर्द, मतलब कमाए नहीं तो काय का मर्द, इस टाइप से जो लाइन बोली हुई थी। OMG, बट आप बता दूं कि ये सिर्फ मर्द के लिए ही लागू नहीं है, आपकी हर किसी के लिए लागू होती है ये लाइन भाई। अगर आप कमाते ही नहीं हो तो फिर आप क्या हो, आप कुछ नहीं हो, फिर चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई किसी का नहीं होता। बट ये मर्द के ऊपर थोड़ा इसलिए मुझे टच करा क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे लड़की की शादी हो जाए, वो जॉब करे ना करे, पैसा कमाए ना कमाए चलता है, बट उस घर का अगर कोई मर्द है उसको कमाना है अपने माँ बाप के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो जो ये लाइन बोली है इतनी अच्छी तरीके से बोली है, वाह। आप लोगों को कमेंट बतानी है अपनी फेव लाइन कौन सी आप लोगों को अच्छी लगी है। मेरे को पूरा ही गाना बहुत अच्छा लगा है, लाइंस भी कुछ कुछ ऐसी है जो हार्ट टचिंग थी, जिसमें मतलब मैंने चिल्लाने पे मैं मजबूर हो ही गई, कहीं कहीं पे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इतना अच्छा। तो मैं अपनी एक लाइन और बताती हूँ, लास्ट बता दी, उसके बाद आप लोगों को बताना है कमेंट, वरना मैं पूरा गाना ही बता दूंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। पैसे में वो बात नहीं जो इज्जत में है बेटे, जो ऐसी कुछ लाइन थी, ओ माय गॉड, मस्त। होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।